ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार इस समय फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक घटना से रूबरू कराने। दोस्तों आज की जो घटना है बड़ी दुखद है। जैसा कि आपको पता है, हाथरस दिल्ली के पास एक जगह है उत्तर प्रदेश में हाथरस, वहाँ पर एक सत्संग में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ के DM ने 100 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। बाकी धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हाथरस में जो आज घटना हुई है, लगभग 3 से लेकर के 3:30 बजे तक 2 बजे सदन चल रहा था, संसद में बहस हो रही थी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू था। तभी 3 बजे हाथरस से एक खबर आती है कि वहाँ पर एक बाबा हैं, उनका सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में भगदड़ मच गई, अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें भीड़ बेकाबू हुई और इतने सारे लोगों की जान गई हो, ऐसी पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएँ होती रही हैं। तो इस घटना में जो लोगों का जीवन चला गया, वो अपने घर से ये सोचकर नहीं गए थे कि मेरा जीवन आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि जो ये सत्संग हो रहा था, जो हाथरस में सत्संग हो रहा था, हाथरस के पास एक गांव है, छोटा सा गांव है जहाँ जिसका नाम है फूलरई। वहाँ पर कुछ आयोजक थे जिन्होंने एक भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं उनको बुलाया और उन्होंने अपना मंच पर भाषण दिया। जब वो वहाँ से मंच से चलने लगे तो भीड़ अचानक उनको छूने के लिए, उनके पीछे दौड़ने के लिए इस तरह से बेकाबू हुई कि उस भीड़ में कुचल करके बच्चे और महिलाएं, जो ज़्यादातर संख्या है बच्चों और महिलाओं की, उनकी मृत्यु हो गई है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं, आज उसी से हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार ये बाबा कौन है जिन्हें हम लोग साकार विश्वहरि और नारायण साकार हरि, भोले बाबा, उनके जो भक्त हैं वो उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। आज हम इनके बारे में आपको A to Z पूरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों तो आइए आपको ले चलते हैं बाबा की जो इतिहास है, बाबा की जो बायोग्राफी है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये बाबा बताते हैं कि एटा जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों जब आप फरकाबाद और ये इस वाली लाइन पर आएंगे, कानपुर से एक लाइन जाती है कन्नौज बिल्धौर होते हुए फरकाबाद, वहाँ पर एक गांव पड़ेगा, एक स्टेशन पड़ेगा जिसका नाम है पटियाली, और पटियाली से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बहादुर नगर। ये बाबा वहीं के रहने वाले हैं और इन बाबा का जो वास्तविक नाम है वो है सूरज पाल। और गांव के लोग बताते हैं, गांव की ये जो बाबा हैं ये पहले बड़े गरीब थे, अपने माता पिता के साथ इनके पास खेतीबाड़ी थी तो अपने माता पिता के साथ ये खेतीबाड़ी करते थे। जब इनका प्रारंभिक जीवन था, इनकी शिक्षा एटई में हुई और इनके पिताजी किसान थे। और बताया ये जाता है कि जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी पुलिस में नौकरी लग गई। अच्छा, अपने भाषणों में जहाँ जहाँ पर ये बाबा प्रवचन करते हैं, अपने भाषणों में ये दावा करते हैं कि वो पुलिस में थे और कुछ समय के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं। इसके बाद 90 के दशक में, यानी कि 90s के आसपास, इन्होंने इस नौकरी से BRS ले लिया। BRS का मतलब होता है समय से पहले इन्होंने उसे त्यागपत्र दे दिया कि मुझे अभी ये नौकरी नहीं करनी है। इसके बाद उन्होंने बाबा वर्ल्ड में कदम रखा, बाबा की दुनिया में चले गए और इन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये किसी परमात्मा या किसी शक्ति का अंश इनमें हो। ये बताते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं भगवान का ही अंश हूँ। तब से मैंने ये सोचा कि मैं अपना जीवन जन कल्याण में लगाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको दूर करूंगा। लेकिन दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात माने तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो बाबा हैं इनका बचपन का नाम सूरज पाल था, ये जाटों समाज से आते हैं और ये पुलिस में नौकरी करते थे। जिस समय ये पुलिस में नौकरी करते थे उस समय इन पर यौन शोषण के आरोप लगे। उस यौन शोषण के आरोप लगने के कारण इन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद ये जेल चले गए। जेल से निकलने के बाद इन्होंने अपनी पहचान छुपा ली और वेश बदल कर ये बाबा वर्ल्ड की दुनिया में आ गए और तब से प्रवचन करने लगे। इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथ में रहती हैं, मंच पर इनके साथ मंच साझा करती हैं और दोनों एक ही मंच पर बैठ कर के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, लोगों को सही मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं।
भक्त ये भी कहते हैं कि ये जो बाबा हैं ये दान पात्र नहीं लगाते हैं, ये किसी से रुपए नहीं लेते हैं। बाबा ये दावा करते हैं कि वो जो अपना खर्चा चलाते हैं खुद अपने पैसों से चलाते हैं, उनके पास ज़मीन है, उनका पेंशन आती है, उस ज़मीन और पेंशन से जो उनका अपने ऊपर होने वाला खर्च है, चाहे वो होटल में रुकने का हो, चाहे वो कार्यक्रम में आने का हो, चाहे वो कार से चलने का हो, ये सारे खर्च वो अपने खुद के पैसों से करते हैं, ऐसा भक्त दावा करते हैं। और बाबा किसी से एक भी रुपए नहीं लेते। और ये जो बाबा हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे बाबा इस समय सोशल मीडिया पर फेमस हैं, जैसे कि बागेश्वर वाले बाबा हैं और प्रेमानंद जी महाराज हैं, इस तरीके के जो साधु संत हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़माने में जो बाबा हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं, लेकिन ये जो बाबा हैं, ये जो नारायण साकार हरि बाबा हैं, ये सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। इनका कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है और ना ही इनका फेसबुक पर कोई पेज है। हाँ, इनके नाम से कुछ पेज बने हुए हैं जिसमें थोड़े बहुत फॉलोवर्स हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये इनका ऑफिशियल चैनल नहीं है। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, हम इसका समर्थन नहीं करते कि ये कितनी सच है या कितनी झूठ है। हालांकि हम किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचाना चाहते। जितने भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। और तो आप चलते हैं इनकी चर्चा पे आगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये जो बाबा हैं ये पैसे नहीं लेते, अपना खर्चा खुद करते हैं, दान पात्र नहीं लगाते, इनके भक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये केवल प्रवचन देते हैं। भक्तों की जो समस्याएं होती हैं वो भक्तों की समस्याएं इनके दरबार में आने से नष्ट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें आराम मिला है, उनकी समस्याओं का अंत हुआ है। और इनके प्रवचन में जिन लोगों के साथ ये घटनाएँ होती हैं वो अपने जो रिव्यू है वो देते हैं कि मैं पहले ऐसा था, और चर्चा करते हैं उस चीज़ की कि ये था। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो ये बाबा हैं राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत हैं। अभी पिछले कुछ दिनों अखिलेश यादव इनके समागम में देखे गए थे, इनके प्रवचन में अखिलेश यादव जी देखे गए थे, और अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इनको इनके समागम में जाने की बात स्वीकार करी थी। अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। और बहुत एक से एक आईएएस और पीसीएस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इनके फॉलोवर्स हैं, वो भी इनके शिष्य हैं। और इनका जो दबदबा है उत्तर भारत में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और यहाँ इस तरह जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं उन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इनका जो दबदबा है, इनके जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग कहते हैं, हालांकि ये बाबा सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इनके समागम में इनका जो ज़मीनी स्तर है उस ज़मीनी स्तर पर फॉलोवर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो एससी समाज है, जो एसटी समाज है, जो ओबीसी समाज है, उस समाज के बीच में इनकी अच्छी खासी पैड है, अच्छा खासा इनका दबदबा है, और अच्छे खासे उस समाज के इनके फॉलोवर्स भी हैं, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा इनके भक्त बताते हैं। अच्छा, भक्त ये भी बताते हैं कि ये जो बाबा हैं ये दावा करते हैं कि वो कल की अवतार हैं, कलयुग का अवतार हैं, और ये बाबा कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये बाबा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, टाई लगाते हैं, सूट बूट पहनते हैं। अधिकतर इन्हें सफ़ेद वस्त्रों में ही देखा जा सकता है, या तो ये सफ़ेद कोट पैंट टाई लगाए होंगे, और या फिर ये कुर्ता और पैजामा जो सफ़ेद है और ऊपर जो सफ़ेद टोपी होती है उसको लगाए रहते हैं। तो आम बाबाओं की तरह ये नहीं है। अच्छा, और इनकी जो सुरक्षा है, इनकी खुद की अपनी पर्सनल आर्मी है जो इनको लेकर के आती है पंडाल तक, और इनको पंडाल से वापस ले जाती है। इनके वॉलंटियर्स हैं जो निःशुल्क जो है उस पंडाल की देखरेख संभालते हैं, वहाँ पर पानी पिलाते हैं, वहाँ पर भक्तों को बैठाते हैं। उनकी एक खास वर्दी भी है पिंक कलर की, और जो पंडाल के अंदर की व्यवस्था है वो उनके वॉलंटियर्स देखते हैं, जिनमें कि महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी हैं। और बाहर की जो व्यवस्था होती है वो जो प्रशासन होता है वो देखता है। अच्छा, तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फ़िलहाल अब इन बाबा का जो समागम था उस समागम में एक बहुत बड़ी घटना घट गई जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। अब इन बाबा पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बाबा अपने आप को कल्कि अवतार सिद्ध करते हैं, तो आखिरकार इस कल्कि अवतार के दरबार में ऐसी घटना क्यों हो सकती है, आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है, क्या प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है। तो ऐसा बताया गया, डीएम साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो समागम हो रहा था उसकी परमिशन एसडीएम के द्वारा दी गई थी,
लेकिन परमिशन जितने लोगों की दी उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे लोग पहुंच गए। और जब ये हादसा हुआ तो जब उन्होंने अपना प्रवचन देकर के मंच छोड़ा, तो मंच छोड़ने के बाद वो अपनी आर्मी को लेकर के उस पंडाल से निकलने लगे। और जब पंडाल से निकलने लगे तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो लोगों ने, जो उनकी वॉलंटियर्स थे, जो उनकी आर्मी थी, उन्होंने भक्तों को रोक लिया। और भक्तों को रोकने के बाद गाड़ी चली गई, वो वहाँ से निकल गए। और इसके बाद पीछे से उनके पीछे बहुत सारी भीड़ दौड़ पड़ी। और जब उनके पीछे बहुत सारी भीड़ दौड़ पड़ी तो उसमें जो कमज़ोर जैसे महिलाएं थीं, बच्चे थीं, वो गिर गए और भीड़ उनके ऊपर से दौड़ते हुए चली गई, जिसमें से जो कमज़ोर थे, जो एक जिसमें महिलाएं और बच्चों को अधिकतर कमज़ोर माना जाता है, इनकी संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, उसमें केवल और केवल कुछ वृद्ध ही हैं, बाकी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि हम सबसे पहले घायलों का उचित उपचार कराएं। तो जब इन्होंने शुरू में अपना सत्संग करना चालू किया था, आज से लगभग 26 साल पहले, तब इनको लोग भोले बाबा के नाम से जानते थे। कुछ समय बाद इन्होंने अपना नाम साकार विश्वहरि रख लिया। इसके बाद कुछ समय पहले, अभी कुछ साल पहले, इन्होंने अपना नाम बदल के नारायण साकार हरि कर लिया। और अब ये इस समय नारायण साकार हरि के नाम से जाते हैं। उस पंडाल में जो बैनर लगे थे उसमें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का पोस्टर लगा है, तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था वो भोले बाबा का हो रहा था। और संडे संडे कई जगहों पर, कानपुर जैसे शहरों में कई जगहों पर ये कार्यक्रम होता रहता है। संडे को ऐसे सत्संग होते रहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के परमिशन लेकर के और अपना जो है सत्संग वगैरह करते हैं और अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आने से उनके दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो वही बता पाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना की जिम्मेदारी कौन होगी, आखिरकार इस घटना का दोषी कौन ठहराया जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, इस पर जांच होगी, कमेटी गठित की जा चुकी है। अब जो दोषी निकल करके आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या कोई दोषी निकल करके आएगा या इस मामले में सभी मामलों की तरह पहले की तरह लीपापोती होगी और फिर से वही खाना पूर्ति कर दी जाएगी? इसका जवाब तो आने वाले भविष्य में ही मिलेगा। फिलहाल अभी घटना पर नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई नई घटना आती है हम आपको इस विषय में सूचित करेंगे। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।